हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और ये वीडियो है 1 अगस्त का। तो आज ना 1 अगस्त बहुत अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ ना पूरे जुलाई में बारिश ही नहीं हुई और इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ती थी ना कि जैसे ही आज 1 अगस्त है तो आज जैसे मंथ चेंज हुआ ना तो मौसम भी चेंज हो गया। बहुत बढ़िया वाली बारिश हुई है, रात में बहुत बारिश हुई और अभी तो थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल गया है, मतलब बंद हो गया है, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड को भी ऑफिस भेज दिया मैंने और आज हस्बैंड थोड़ा सा लेट गए थे, 9 बजे गए हैं। तो उनके जाने के बाद मैं भी लग गई हूँ घर की क्लीनिंग में। तो आज मुझे थोड़ा सा इसी चक्कर में लेट हो गया क्योंकि हस्बैंड के जाने का मैं वेट कर रही थी कि ये जब चले जाएं। और ऐसा होता है ना कि जब हस्बैंड चले जाते हैं तो ही किसी काम में मन लगता है और नहीं तो फिर वही वेट करना पड़ता है, या फिर छुट्टी होती है तो लगता है कि रुक जाएं या फिर चले जाएं। तो बस हस्बैंड चले गए हैं और मैं भी लग गई हूँ किचन क्लीनिंग में। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी किचन को क्लीन कर लिया है, बर्तनों को मैंने बाहर रख दिया है और ये जो आप कढ़ाई देख रहे होंगे ना तो इसमें मैंने सुबह पूड़ियाँ बनाई थी बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो इसीलिए मैं इसको बाहर अभी नहीं, मतलब नहीं धुलूंगी क्योंकि इसमें शाम को सब्ज़ी बन जाएगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जब पूड़ी वगैरह बनती है ना तो उसी में मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और उसके बाद फिर धुल जाता है वो बर्तन। तो किचन क्लीन हो गया, बर्तनों को मैंने बाहर रख दिया है क्योंकि अगर मैं अभी बैठूँगी ना बर्तन साफ़ करने तो छोटी छोटी जो बूंदें पड़ रही हैं जिसकी वजह से मैं भीग जाऊंगी, इसलिए मैं बर्तनों को लास्ट में क्लीन करूंगी। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ अंदर और इस समय ना कपड़ों का बड़ा झंझट हो रहा है, मतलब कपड़े तो बहुत ज़्यादा कपड़ों का ही काम हो जा रहा है क्योंकि ये बारिश में सूख नहीं पा रहे हैं, इनको फ़ैन में डालना पड़ता है तो फ़ैन में भी अच्छे से नहीं सूखते, कुछ कपड़े जो मोटे होते हैं तो अच्छे से सूख नहीं पाते हैं तो उनको इधर से उधर उधर से इधर बस ऐसे ही करना होता है। और वही बताया ना मैंने कि कल बारिश हुई थी तो सारे कपड़े सूखे नहीं थे। तो रात में मैं क्या करती हूँ कि इसी रूम में सारे कपड़ों को फैला देती हूँ और फ़ैन ऑन करके छोड़ देती हूँ तो रात भर में ना सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो अभी मैं देखी ना सारे कपड़े फैले हुए थे रूम में तो इनको मैंने समेट लिया है और घड़ी करके रख दिया है और अपना बेड वगैरह ठीक कर दूँगी। बेडशीट अभी गंदी नहीं है तो इसको चेंज भी नहीं करूँगी, बस ऐसे ही मैं इसको झाड़ दे रही हूँ कपड़े से और थोड़ा ठीक ठाक कर दूँगी। और सुबह सुबह ना घर की क्लीनिंग हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि दिन भर की पूरी टेंशन ख़त्म हो गई और सुकून सा लगता है कि ऐसा लगता है आज का दिन सफल हो गया हमारा। तो वही बस मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ बेसिक सी जो मेरी डेली की रहती है। तो बेड ठीक कर लिया है मैंने और सोफ़ा कवर को भी झाड़ दूँगी थोड़ा सा ऐसे ही और वापस से इसी को सेट कर दूंगी। और आजकल ना थोड़ी सी चींटियाँ आ रही हैं घर में, पता नहीं क्यों, शायद गर्मी की वजह से होगा तो चींटियाँ आ जाती हैं, थोड़ा सा भी अगर कुछ मिल जाता है उनको खाने का, अगर छोटा टुकड़ा भी रह गया ना तो फिर चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, वो भी रेड वाली जो काटती भी हैं। तो चलिए पहले पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं और इसके बाद आज मैं अपने घर की अलग क्लीनिंग करूँगी क्योंकि रेगुलर में हम झाड़ू पोछा और जो सामने सामने की जो भी चीज़ें होती हैं उनको डस्टिंग करना ये सारी चीज़ें ही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ना छूट जाती हैं, कुछ सामान को हम ध्यान नहीं दे पाते, ये देते भी हैं तो ऐसा लगता है कि चलो ये कल कर लेंगे और ऐसे कल करते करते 1 हफ्ते बीत जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है कई बार, मैं भी कुछ चीज़ों को अगर सोचती हूँ ना कि कल करूँगी तो वो फिर कल आता ही नहीं है, जब आता है तो बहुत देर हो जाती है। तो जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको हम क्लीन करना थोड़ी दिन के लिए भूल जाते हैं या फिर भूल भी नहीं जाते तो टाइम भी नहीं होता है, तो चलिए आज उन्हीं को क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए झाड़ू लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ दरवाजे को क्लीन करने के लिए। कल मैंने देखा ना कि दरवाजे में और घर की बहुत सारे सामान हैं ऐसे छोटे मोटे जो मैं रेगुलर नहीं कर पाती थी, उनमें थोड़ी थोड़ी सी डस्ट आ गई थी और पता ही नहीं चलता, क्लीन करते हैं फिर भी इतनी जल्दी डस्ट आ जाती है क्योंकि ये रेगुलर नहीं हो पाता है। और किसी के साथ भी हो ऐसे नहीं होता है रेगुलर, क्योंकि घर में इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि रेगुलर अगर करने बैठेंगे ये सारी चीज़ों की सफाई ना तो बिल्कुल भी फिर तो समय ही नहीं बचेगा, पूरा दिन लग जाएगा और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम दिन भर लगे रहें क्लीनिंग में ही, क्योंकि हमें खुद को भी टाइम चाहिए और बच्चों के लिए टाइम चाहिए, हस्बैंड के लिए टाइम चाहिए। तो इसी वजह से
आज मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के आई हूँ कि मैं किन किन की चीज़ों को स्किप कर देती हूँ, जो रेगुलर नहीं हो पाता है उन्हें आज साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैंने दरवाजे को साफ़ किया, जो नेट वाला दरवाज़ा था मेरी बालकनी का। उसके बाद मैं आ गई हूँ फ़ैन को क्लीन करने के लिए। फ़ैन एक्चुअली मैं करती हूँ, लेकिन अभी ना 10-15 दिन हो गए थे, तो ये भी मेरे ध्यान से निकल गया था। एक दिन मैंने सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं कल करूँगी, इसी चक्कर में थोड़ा ज़्यादा टाइम निकल गया। तो फ़ैन को भी मैंने साफ़ कर दिया है, और मैं इन सभी चीज़ों को एक गीले कपड़े से कपड़े को अच्छे से निचोड़ करके, और कॉटन का कपड़ा है, इसी से साफ़ कर रही हूँ। तो फ़ैन साफ़ हो गया है, और आ जाते हैं दरवाजे को साफ़ करने के लिए। तो सामने सामने मैं अक्सर ही करती हूँ दरवाजे को क्लीन, लेकिन ये जो पीछे का हिस्सा है ना, जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो इसी को, ये अक्सर पीछे ही रहता है ना, तो समझ में नहीं आता है और हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं दरवाजे को भी क्लीन कर लिया है मैंने, और अब आ जाती हूँ बेडरूम के फ़ैन के पास, और ये भी बहुत गंदा हो गया था। और ये जो अभी थोड़ा सा गंदा आपको दिख रहा होगा ना, तो ये इसी तरीके से रहता है, मतलब पूरा वाइट नहीं होता है, इतना ही ये साफ़ रहता है। तो मैंने सारे दरवाजे क्लीन कर लिए हैं, और फ़ैन को भी क्लीन कर लिया है, और अब बारी आ जाती है वॉशरूम के दरवाजे की, तो इसे भी हाथों हाथ क्लीन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से, कुछ कुछ दिन में आप इस तरीके से अपने घर की सारी चीज़ों को क्लीन कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं। और हाउसवाइफ को ना इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं ना, कोई कोई चीज़ें तो दिमाग से निकल ही जाती है। सभी के साथ ऐसा होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम थक भी जाते हैं, कभी कभी मन नहीं करता हमारा कुछ काम करने का। तो इसी वजह से इस तरीके से आप सारे काम को मैनेज कर सकती हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम लेकर के बैठी हैं, तो जो आप रेगुलर करती हैं ना, उसमें से आप कुछ स्किप कर सकती हैं, किसी एक काम को आप छोड़ सकती हैं, ताकि वो आप जो बचा हुआ काम है उसको आप ठीक से कर पाएँ। तो इसी तरीके से घर के सारे काम को मैनेज करके चलना होता है, क्योंकि इतने सारे कामों के बीच ना सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, भले ही हम घर पे रहते हैं। और हर कोई कहता भी है कि हाउस वाइफ हो, घर में रहती हो और करती ही क्या हो, तो यही सारी चीज़ें। और एक हाउस वाइफ ना अपने घर को ही स्वर्ग बनाती है, और चाहे तो नर्क भी बना सकती है, इसलिए कहते हैं ना, औरत कुछ भी कर सकती है। तो हमारे घर की छोटी छोटी खुशियाँ, हर चीज़ हमारे हाथ में होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए, इन्हीं बातों बातों में ना मेरे घर की हो गई है सफाई। और जब पूरे घर की सफाई हो ही गई है, तो मैं नहा कर के आई, तो मैंने सोचा मंदिर को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मंदिर को पूरी तरीके से मैंने हटाया नहीं है, सारा जो सारी मूर्तियाँ रखी नहीं हटाया है मैंने, ऐसे ही एक कॉटन का रुमाल ले लिया है छोटा सा, और उसी को गीला करके मैंने ऐसे पोंछ दिया है, जो भी डस्ट रहती है ना उसी में साफ़ हो जाएगी। और ये मंदिर में जो रखे हुए थे बर्तन, पूजा वाले सामान, लोटा है और घंटी, और जो दीपक जलाने वाला होता है, तो यही सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी गंदी थी, तो मैंने सोचा इनको धो लेते हैं। तो चलिए, मंदिर का जो भी सामान था उनको मैंने धो लिया है, और इसके लिए मैंने एक अलग से रखा हुआ है स्क्रबर, उसी से मैं क्लीन करती हूँ। तो मंदिर वाला बर्तन धुलने के लिए अलग से स्क्रबर रखा हुआ है मैंने। और यहाँ पे देखिए, पूजा करने के लिए ये सारे बर्तन साफ़ सुथरे हो गए हैं, तो इनको मैंने पोंछ करके और दीपक जला दिया है। तो चलिए, भगवान जी की थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ। और पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं सुबह में, जब वो नहाते हैं ना, तो तभी वो कर लेते हैं एक बार। मैंने सोचा कि थोड़ी सी सफाई हुई है तो मैं भी कर देती हूँ, इसमें हर्ज ही क्या है। तो यहाँ पर पूजा हो गई है, और पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है, और मैं भी आ जाती हूँ किचन में। थोड़ा सा मैंने अपना काम किया है, एडिटिंग वगैरह, इसके बाद और फिर आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का जो टाइम है ना वो हो गया था, तो भी लंच बनाना था, एंड थोड़े से बर्तन रखे थे जो सुबह के, उनको मैं सेट कर दूँगी क्योंकि ये सूख गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, आई होप। और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी के एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।